दोस्तों आज की जो कहानी मैं आपको बताने वाला हूं उसे जानकर आपका दिल ना दहल जाए तो मुझे बताना। जी हां, आप जिस पर विश्वास करते हैं वही आपको कैसे मार सकता है, वो भी जान से, या फिर जिस पर आप विश्वास करते हैं वो कैसे आपको धोखा दे सकता है। आज की वीडियो में आपको सब कुछ पता चलेगा कि कैसे यहाँ पर पुलिस की गलती थी और कैसे यहाँ पर जीते जागते इंसानों ने गलती करी थी। सब कुछ बताऊंगा आपको इस केस के बारे में, लेकिन उससे पहले मेरा नाम है विकी और आप देख रहे हैं मिस्टीरियस दुनिया का एक और बहुत ही कमाल का एपिसोड। आप प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर दें और कमेंट्स में पिक में लिख दें ताकि कल की वीडियो में मैं आपको शाउट आउट दे दूं। इस कहानी को समझने के लिए हमें यूनाइटेड किंगडम के लंदन शहर में चलना पड़ेगा। जी हाँ, और इसी लंदन शहर में सन 1993 में एक पीटर ब्रायन नाम का ये लड़का रहा करता था। ये लड़का वहां बनी एक कपड़ों की दुकान में शॉप असिस्टेंट के तौर पर काम करता था। लेकिन यहाँ दिक्कत ये हुई कि जिस दुकान में काम करता था उस दुकान के मालिक की एक लड़की थी और वो भी कभी कभी इस दुकान पर आकर अपने पापा के साथ यहाँ हाथ वगैरह बटा दिया करती थी। और जब वो इस दुकान पर आती थी तब पीटर ब्रायन हमेशा सिर्फ उसे ही देखता रहता था, काम धंधा छोड़ के उसे देखता रहता था। और ये बात उस लड़की के पिता को भी पता चली। जी हाँ, उस लड़की का नाम निशा सेठ था। बिल्कुल आपने सही सोचा, ये लड़की कहीं और से नहीं बल्कि NRI थी और हमारे भारत से ही उठकर लंदन शहर में जाकर वहां काम कर रही थी, अपने परिवार के साथ रहती थी। ये बात कई बार निशा ने भी नोटिस करी कि वो सिर्फ उसे ही देखता रहता है काम के दौरान, तो वो सीधा जाकर पीटर से बोली कि हाँ भी बता क्या बीमारी है। तो यहाँ उसने कहा कि मुझे कोई बीमारी नहीं है, बस मैं अपना काम कर रहा हूँ, यहाँ उसने मना कर दिया। अब जिसके बाद निशा उसके ऊपर ध्यान रखने लगी कि आखिर ये बंदा है क्या और ये करता क्या है। तो उसने नोटिस किया कि कई बार ये पीटर दुकान के कोने में खड़े होकर अपने आप से बातें करने लगता था और वो भी दूसरी लैंग्वेज में, ना ही वो इंग्लिश थी ना ही वो हिंदी थी। इसके अलावा कई बार उसे दुकान से ही कपड़े चुराते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया था और अब की बार उसे फिर से एक बार कपड़े चुराते हुए पकड़ा गया, और जिसके बाद निशा के पिता यानी कि इस दुकान के मालिक ने पीटर को नौकरी से बाहर निकाल दिया। और अब क्योंकि उसे नौकरी से निकाल दिया गया था तो वो खाली था, काम धंधा था नहीं उसके पास, अब वो नशे पतों में पड़ चुका था और इन्हीं नशे पतों की वजह से उसकी दिमागी हालत जो थी वो भी अब ठीक नहीं रह रही थी। और इसी वजह से अब उसने अपने दिमाग में बैठा लिया था कि अपनी नौकरी से निकाले जाने का बदला वो जरूर जरूर लेगा। दिन आया 18 मार्च 1993 का, जब सुबह सुबह पीटर अपने कमरे से उठा और उसने सीधा बाहर जाकर एक हार्डवेयर की दुकान से और कुछ नहीं बल्कि हथौड़ा खरीदा और उस हथौड़े को पीछे अपनी कमर में लगाकर सीधा उस दुकान पर गया, उस स्टोर पर गया जहां पर वो पहले काम किया करता था। उसने उस स्टोर के बाहर खड़े होकर देखा कि अंदर निशा और उसका छोटा भाई जिसकी उम्र सिर्फ 12 साल की थी वो दोनों हैं और अपने अपने काम में लगे हुए हैं। जिसके बाद उसने अपने पीछे से वही हथौड़ा निकाला और सीधा उस दुकान में एंटर कर गया। सबसे पहला सामना उसका उसके भाई से हुआ यानी कि 12 साल के लड़के से हुआ। उसको ज्यादा चोट ना पहुंचाते हुए उसको जस्ट हैमर का जो बट था, जो हथौड़े का बट था, वो उसके सिर में मारा और ये सिर में लगने से वो छोटा सा बच्चा बेचारा 12 साल का वो नीचे गिर गया। जिसके बाद ये लड़का धीरे 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 कर अब निशा की तरफ बढ़ने लगा था। निशा का यहाँ कोई ध्यान नहीं था कि अभी अभी उसकी दुकान में क्या हुआ है और यहाँ कौन एंटर कर चुका था, वो जस्ट अपने फोन पर लगी हुई थी अपनी एक दोस्त के साथ। और जैसे ही पीटर उसके पास तक पहुंचा और यहाँ उसने उसके फोन को उसके हाथ से छीना और जस्ट नीचे पटक दिया और दूसरे हाथ से उसका हाथ पकड़ा और पीछे से वही अपना हैमर निकाला और जस्ट उसके सिर के अंदर अब बहुत गंदे तरीके से वार करने स्टार्ट कर दिए। सोचकर देखिए, यहाँ निशा सेठ के सिर में इतने वार किए गए थे कि उसकी जो खोपड़ी की हड्डी थी उसका इतने बुरे तरीके से चूरा किया जा चुका था कि उसके टुकड़े अब दिमाग के अंदर जा चुके थे। क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे कि अंतिम 3 या 4 वार जो पीटर द्वारा निशा के ऊपर किए गए थे वो वार उसकी खोपड़ी पर नहीं बल्कि उसके दिमाग के अंदर जाकर लग रहे थे। ये सब होता देख निशा का भाई जिसकी उम्र 12 साल की थी वो पीछे भी पड़ा ही हुआ था और उसकी आंख खुली क्योंकि उसने अपनी बहन की चीखें सुनी थी और वो जस्ट उठा और अपनी बहन के पास जाकर देखा कि पीटर अभी भी उसकी बहन को सिर में वार मारे जा रहा है। और यहाँ उसने देखा कि उसकी बहन का जो सिर है वो बुरे तरीके से खुला हुआ है। अब आप सोच कर देख लीजिए, एक 12 साल का लड़का क्या कोई ऐसे क्राइम सीन को हैंडल कर सकता था? मेरे ख्याल से तो नहीं, लेकिन फिर भी वो घबराया नहीं, उसने वहां पर रोना धोना नहीं किया बल्कि वो सीधा उस स्टोर से बाहर जाने के लिए भागने लगा और यहाँ उसको भागता हुआ पीटर ने देख लिया। अब यहाँ पीटर को पता था कि ये लड़का इस स्टोर से बाहर निकल गया तो ऑब्वियसली यहाँ उसका भांडा फूट जाएगा और इसी को रोकने के लिए अब यहाँ पीटर भी उसके पीछे पीछे भागने लगा था। लेकिन आपको बताइए कि हाथ में हथौड़ा लिए और कपड़ों पर सारा खून लगा हुआ है, ऑब्वियसली
लोग उसको देखकर समझ ही जाएंगे कि ये ऐसे 12 साल के लड़के के पीछे एक हथौड़ा लेकर क्यों पड़ा हुआ है। जिसके बाद लोग यहाँ मदद के लिए सामने आए, उन्होंने यहाँ निशा सेठ के भाई को अपने पास रखा और यहाँ पीटर से पूछा कि यहाँ बता क्या बीमारी है, तू क्यों इसके पीछे पड़ा हुआ है। जिसके बाद पीटर वहीं रुका और अपना हथौड़ा वहीं फेंक कर वहां से फरार हो गया। जिसके बाद तुरंत एम्बुलेंस को मौके पर बुलाया गया और यहाँ जो डॉक्टर मौके पर पहुंचे थे उन्होंने यही घोषित कर दिया कि हॉस्पिटल में इलाज का कोई फायदा नहीं है क्योंकि निशा सेठ की ऑन द स्पॉट डेथ हो चुकी थी। इसके अलावा उसके भाई की भी हालत ज्यादा कुछ ठीक नहीं थी क्योंकि उसके सिर में भी चोट लगी थी और उसके सिर में भी 8 टांके आए। अब यहाँ पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने देखा कि ये सब हुआ है तो उस निशा सेठ के भाई से पूछा गया कि वो कौन था, तो यहाँ उसने सीधे तौर पर नाम ले दिया कि पीटर था ये और ये लड़का हमारे दुकान पर पहले काम किया करता था, उसका घर भी हमें पता है, आप कहते हो तो मैं आपको ले चलता हूँ। तो यहाँ पुलिस उस लड़के के साथ पीटर के घर गई और जैसे ही उन्होंने देखा कि पीटर का कमरा मतलब कि जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग थी उसमें 3rd फ्लोर पर बना हुआ था और यहाँ पीटर बजाय अपने कमरे में बैठने के उसने पुलिस को खिड़की में से देखा और अपने कमरे से बाहर निकल कर आया और सीधा बाहर जो छज्जा बना हुआ था उस छज्जे से कूदने की कोशिश करने लगा। जी हाँ, वो पुलिस को धमकी दे रहा था कि आप मेरे पास आए तो मैं यहाँ से कूद कर जान दे दूंगा। पुलिस वाले बोले दे दे, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पुलिस को और डराने के लिए वो छज्जे से बाहर लटक गया और जस्ट अब वो अपने हाथों को पकड़कर उस छज्जे से लटक रहा था। कितनी देर पकड़ लेगा, 5 मिनट 10 मिनट, इसके बाद तो छूटने थे ही क्योंकि हाथ सुन हो जाते हैं और उनकी पकड़ ढीली हो जाती है। और यहाँ बिल्कुल ऐसा ही हुआ, उसके हाथों की पकड़ ढीली हो गई और वो सीधा 3rd फ्लोर से नीचे आ गिरा और इस वजह से उसके पैर की हड्डी टूट गई और यहाँ पुलिस ने उसे वहीं झप लिया। 30 अप्रैल 1993 तक पीटर उस हॉस्पिटल में रहा और वहां उसका इलाज चला, जिसके बाद अदालत ने उसे मर्डर के आरोप में ब्रिक्सटन प्रिजन में रख दिया और अब यहाँ उसकी सजा शुरू की जानी थी। दिन आया 20 नवंबर 1993 का और यहाँ उस जेल के अंदर ही बैठे पीटर ने लेटर लिखा, किसी और को नहीं बल्कि निशा सेठ के पिता को। उसने लिखा कि डियर सर, मैं बहुत 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 ज़्यादा शर्मिंदा हूँ कि मैंने आपकी बेटी का मर्डर किया है, लेकिन मैं क्या करता, मैं मजबूर था क्योंकि मैं आपके परिवार का हिस्सा बनना चाहता था और हिस्सा बनने के लिए मैंने कई बार निशा सेठ को प्रपोज किया था लेकिन वो हमेशा मना करती रही। अब ये जो ना था लड़की के द्वारा किया गया ये पीटर स्वीकार नहीं कर पाया और उसने जाकर सीधा उसका मर्डर कर दिया। जिसके बाद उसने लेटर के अंत में एक ऐसी फनी सी लाइन लिखी जिस वजह से मुझे भी बहुत हंसी आई थी जब मैं इसके बारे में रिसर्च कर रहा था। जी हाँ, उसने लेटर में लिखा कि चलिए कोई बात नहीं, आप सब कुछ पिछला भूल जाइए और मेरे लिए जेल में कपड़े भिजवा दीजिए क्योंकि मेरे पास यहाँ पहनने लायक ज़्यादा कुछ कपड़े नहीं हैं, आपकी दुकान से कुछ कपड़े मेरे लिए यहाँ जेल में भिजवा दीजिए। अच्छी बात है। और यहाँ कमेंट्स में कोई नहीं लिखेगा कि ये लेटर उसने माल फूक कर लिखा होगा। अब यहाँ अदालत ने उसे लाइफ टाइम इंप्रिजनमेंट की सजा सुना दी थी, गैर जमानती सजा थी वो भी उम्र कैद की। लेकिन यहाँ एक दिक्कत थी, सजा देने से पहले उसका मेडिकल किया जाना था और यहाँ मेडिकल में सामने आया कि ये आदमी, ये लड़का पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया से पीड़ित है, जिसका मतलब ये था कि जब तक ये बीमारी इसकी ठीक नहीं होती तब तक इसे जेल में नहीं रखा जाएगा बल्कि एक हाई सिक्योरिटी साइकियाट्रिक यूनिट में रखा जाएगा और यहाँ डॉक्टर्स उसका ध्यान रखेंगे। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ और उसे यहाँ जेल से सीधा उस साइकेट्रिक यूनिट में शिफ्ट कर दिया गया। अब आने वाले अगले 7.5 सालों तक पीटर इसी हॉस्पिटल में रहा और यहाँ उसके ऊपर अब 24 घंटे पुलिस का और डॉक्टर्स का पहरा भी रहता था। यहाँ इन 7.5 सालों में पुलिस ने और डॉक्टर ने मिलकर पीटर का पिछला पास्ट खंगाला कि आखिर ये पहले की अपनी जिंदगी में कैसा था। तो यहाँ पुलिस को पता चला कि ये तो पुराना पापी है। जी हाँ, 18 साल की उम्र से ही ये बच्चों को परेशान करता रहा है, जो उससे वीकर हैं, जो उससे लड़ नहीं सकते ये उनको मारता पीटता था और सिर्फ 19 साल की उम्र में इसने एक बच्चे को अपने ही घर की खिड़की से बाहर फेंकने की भी कोशिश करी थी लेकिन किस्मत से उस टाइम पर उसकी माँ ने उसे देख लिया और यहाँ वो बच गया। फरवरी 2001 का समय आते आते अब यहाँ पुलिस को, डॉक्टर्स को और वहाँ काम करने वाले नर्सिस को समझ आ चुका था कि पीटर अब एक अच्छा इंसान बन चुका है। 7.5 साल में इसने बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट करी है और अब शायद हो सकता है कि ये धीरे धीरे सोसाइटी में वापस आने के लिए तैयार हो। जिसके बाद उसको वहां से उस हाई सिक्योरिटी साइकेट्रिक यूनिट से बाहर निकालकर एक रिहैबिलिटेशन हॉस्टल के अंदर शिफ्ट कर दिया गया और यहां हॉस्टल में रहते हुए उसको अनुमति थी कि वो हॉस्टल में बाहर बालकनी तक आ सकता है, अंदर जा सकता है, हॉस्टल के अंदर घूम सकता है, आसपास लोगों से बात कर सकता है लेकिन हॉस्टल की प्रीमिसेस से बाहर नहीं निकल सकता। धीरे धीरे टाइम बीतता गया और यहाँ उसकी जो छूट थी वो बढ़ती गई। किसी को भी नहीं लग रहा था कि पीटर अब पहले जैसा इंसान है, वो बिल्कुल बदल चुका था। वो अब सभी की मदद करता था, अपने काम खुद करता था और यहाँ कभी किसी से ऊंची आवाज में भी बात नहीं की उसने। 2004 आ गया, फरवरी 2004 के महीने में उसने कोर्ट में ये एप्लीकेशन रखी कि बिल्कुल लो सपोर्ट अकोमोडेशन के साथ साथ उसे अब फ्री कर देना चाहिए और
फिर भी वो हर हफ्ते आकर पुलिस में अपनी हाजिरी वगैरह लगा कर जाएगा और दिखा कर जाएगा कि हाँ वो बिल्कुल सही तरीके से इस दुनिया में रह रहा है। और यहाँ इसी लॉ सपोर्ट अकोमोडेशन में रहते हुए पीटर का एक दोस्त बना जिसका नाम ब्रायन चेरी था। इन दोनों की दोस्ती बहुत बहुत ज्यादा गहरी होती जा रही थी और तकरीबन इनकी दोस्ती को 2 सालों का समय बीत गया था। जी हाँ, ब्रायन वही लड़का था जो इस हॉस्टल में जहाँ पर ये पीटर रहा करता था उसी हॉस्टल के बराबर में ही रहा करता था। ब्रायन और उसकी एक गर्लफ्रेंड भी थी जिसका नाम निकोला था। तो यहाँ पीटर ने कई बार अपनी गर्लफ्रेंड को भी पीटर से मिलवाया और कहा कि देखो मेरा नया दोस्त है, बेशक ये पहले की जिंदगी में कांड करके यहाँ अपनी सजा काट रहा है लेकिन अब ये बदल चुका है और मुझे बहुत पसंद है ये लड़का और हम सारा दिन साथ ही रहते हैं। और फिर दिन आया 17 फरवरी 2004 का, जब उसने अपने हॉस्टल के जो वार्डन था उसका उससे परमिशन ली कि वो थोड़ी देर बाहर घूम कर आना चाहता है। तो यहाँ उसका बिहेव देखते हुए किसी को लग ही नहीं रहा था कि वो कुछ गलत कर सकता है। तो यहाँ हॉस्टल वार्डन ने उसे कह दिया कि ठीक है तुम जाओ, तुम्हें जहाँ जाना हो लेकिन रात होने से पहले वापस आ जाना। तो वो सीधा वहाँ से बाहर निकला और कहीं और जाने के बजाय वो सीधा ब्रायन के घर गया। लेकिन यहाँ ब्रायन के घर पहुँचने से पहले वो एक बीच में दुकान पर रुका और उस दुकान पर रुक कर उसने अपने द्वारा हॉस्टल में किए गए कामों से कमाए गए पैसों से एक पेचकस, एक हथौड़ा और एक बहुत धारदार चाकू खरीदा और ये तीनों चीजें लेकर वो सीधा अब ब्रायन के घर पहुंचा। जी हाँ, तकरीबन शाम के 6 बजे यहाँ पीटर जो था वो ब्रायन के घर पहुंचा था। उसने दरवाजा खटखटाया, ब्रायन ने दरवाजा खोला, दोनों ने हाय हेलो करी और दोनों अब घर के अंदर चले गए और दरवाजा बंद कर दिया गया। तकरीबन शाम के 7:30 बजे यहाँ निकोला ब्रायन के घर पहुंची और उसने दरवाजा खटखटाया लेकिन दरवाजा अंदर से नहीं खुला। लेकिन उसको पता था कि अंदर से आवाजें आ रही हैं तो ऑब्वियसली घर के अंदर कोई ना कोई तो है। और फिर से उसने दरवाजा खटखटाया लेकिन दरवाजा फिर नहीं खुला। उसने बाहर से आवाज लगाई, ब्रायन ब्रायन, लेकिन ब्रायन ने दरवाजा नहीं खोला। जिसके बाद यहाँ निकोला को पता था कि इसके घर का जो दरवाजा है उसका जो लॉक है वो सही से काम नहीं करता और इमरजेंसी में कभी उसे खोलना हो तो वो उसे ऐसे झटका देकर ही कई बार खोल लिया करती थी और अब की बार उसने फिर से वही किया। जी हाँ, उसने झटका दिया और जस्ट वो दरवाजा खुल गया और सीधा वो उस घर के अंदर गई जैसे कि वो डेली आया जाया करती थी, उसके लिए आम था। अंदर जाते ही उसको महसूस हुआ कि इतनी तेज स्मेल आ रही है फिनाइल की। जी हाँ, ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी किसी ने घर के अंदर फिनाइल का पोचा मारा हो और बहुत बहुत ज्यादा तेज स्मेल थी वो। तो जैसे ही अंदर बैठे पीटर ने बाहर का दरवाजा खुलने की आवाज सुनी तो वो भी अपने कमरे से बाहर निकल कर आया और यहाँ बीच में ही उसने निकोला को रोक लिया। जहाँ पीटर की जो हालत थी वो बहुत ख़राब थी, उसके शरीर से पसीना आ रहा था, उसने ऊपर कुछ नहीं पहन रखा था, सिर्फ नीचे जींस जींस डाली हुई थी। और यहाँ निकोला पीटर से पूछती है कि ब्रायन किधर है, तो यहाँ वो कुछ नहीं कहता, सिर्फ कहता है कि निकोला तुम इस घर से अभी निकल जाओ। पलट कर फिर से निकोला पूछती है पीटर से कि बताओ मुझे ब्रायन कहाँ है, तो यहाँ उसने एक ही जवाब दिया कि ब्रायन मर चुका है। ये बात सुनकर उसे विश्वास नहीं हो रहा था और यहाँ उसने अपने कदम वापस पीछे खिसकाने स्टार्ट कर दिए। लेकिन यहाँ पीछे आते हुए जैसे ही वो मुड़ी तो उसकी नजर सामने वाले कमरे के ऊपर गई और उस कमरे के फर्श पर नीचे एक कटा हुआ हाथ पड़ा हुआ था, खून वहां चारों तरफ बिखरा हुआ था और ये हाथ किसी और का नहीं बल्कि ब्रायन का ही था, क्योंकि इस हाथ पर जो टैटू बना हुआ था उसे निकोला अच्छी तरह जानती थी। जिसके बाद निकोला ने ऐसे प्रिटेंड किया कि उसने यहाँ भी कुछ नहीं देखा और उसे कुछ पता भी नहीं है कि यहाँ आखिर हुआ क्या है। उसने जस्ट कहा पीटर को कि ठीक है तुम दोनों आराम से बैठो और कुछ भी बात हो मुझे बता देना और मैं बाद में मिलती हूँ ब्रायन से, अभी मैं जा रही हूँ। तो वो वहाँ से घर से निकल जाती है और सीधा अपने घर आती है और अपने घर आने के बाद वो सीधा अपनी माँ को सारा कुछ बताती है कि वो अभी अभी क्या देखकर आई है। तो यहाँ वो अपनी माँ से रिक्वेस्ट करती है कि माँ प्लीज़ तुरंत पुलिस को कॉल करो और ये सब कुछ बताओ। यहाँ निकोला खुद पुलिस को कॉल इसलिए नहीं कर सकती थी क्योंकि उसके खुद के खिलाफ ही एक अरेस्ट वारंट निकला हुआ था, क्योंकि किसी ने उसके ऊपर गोल्ड डिगर होने का केस किया हुआ था। मुझे नहीं पता कि ऐसा कुछ मैटर भी किसी संविधान में लिखा जाता है कि अगर कोई लड़की या फिर लड़का गोल्ड डिगर है उसके खिलाफ क्या सजा बनेगी। आप वैसे मुझे बताइएगा गोल्ड डिगर्स के लिए क्या सजा होती है। खैर, यहाँ उसकी माँ ने कॉल किया पुलिस को और पुलिस को बताया कि आप जल्दी से ब्रायन के घर जाइए और देखिए वहां पर क्या चल रहा है। तो पुलिस तुरंत यहाँ से ये बातें सुनकर ब्रायन के घर पहुंची और अब दरवाजा खटखटाया, लेकिन यहाँ पुलिस को अंदर से कोई रिस्पांस नहीं मिला। जिसके बाद उन्होंने कई बार और फिर से दरवाजा खटखटाया लेकिन फिर से अंदर कोई रिस्पांस नहीं मिला। वो आइड साइड खिड़की से अंदर झांक कर देख रहे थे कि आखिर अंदर चल क्या रहा है, लेकिन पूरे घर की लाइट्स जो थी वो बंद थी, जिस वजह से मजबूरन अब पुलिस को ये दरवाजा जो था ये तोड़कर अंदर जाना था। लेकिन उन्होंने जैसे ही उस लॉक को झटका दिया वो फिर से खुल गया जैसे कि वो लॉक खराब था, और जैसे ही उन्होंने खोला
अंदर गए वो, तो उन्हें भी वहां पर बहुत तेज स्मेल महसूस हुई फिनाइल वगैरह की, जिसके बाद उन्होंने आंगन में ही लगे हुए इलेक्ट्रिक बोर्ड से वहां की लाइट ऑन करी और यहाँ का हाल देखकर वो भी हैरान थे, क्योंकि सब कुछ परफेक्ट साफ सुथरा दिखाई दे रहा था लेकिन फिर भी बहुत तेज स्मेल आ रही थी फिनाइल की। जिसके बाद वो और ज्यादा अंदर एंटर हुए और जैसे ही वो एंटर हुए सामने से निकलकर पीटर आया। वो पीटर वैसे ही हालत में था, उसके पूरे शरीर पर खून खून लगा हुआ था, उसने सिर्फ नीचे जींस डाली हुई थी, ऊपर से वो बिल्कुल नंगा था और यहाँ पुलिस से पूछने लगा कि बताइए जनाब मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ। जिसके बाद पुलिस ने पूछा पीटर से कि यहाँ क्या चल रहा है, तो उसने कहा कि मैं इस घर के अंदर आया था तकरीबन 1-1.5-2 घंटे पहले और इस घर के मालिक यानी कि ब्रायन से मेरा थोड़ा सा झगड़ा हो गया और जिसके बाद मैं यहाँ से अब जाने ही वाला हूँ, वो झगड़ा निपट चुका है। तो यहाँ ये बात सुनकर पुलिस आगे की तरफ बढ़ी और वहीं लेफ्ट साइड में बने उस कमरे में उन्होंने ब्रायन की नीचे पड़ी हुई लाश देखी और यहाँ इस लाश को देखते ही उन्होंने पीटर से पूछा कि बता ये सब क्या है, क्या ये तूने किया है? तो उसने सिंपली जवाब दिया कि हाँ जी सर, ब्रायन का मर्डर मैंने ही किया है। अब यहाँ पर ये लाश मिली थी पुलिस को, इससे दिक्कत नहीं थी, लेकिन दिक्कत थी तो इस लाश की हालत से। जी हाँ, ब्रायन के दोनों हाथ और एक पैर उसके शरीर से उसकी लाश से पूरी तरह से कट कर दिया जा चुका था और इतना ही नहीं, उसके सिर के अंदर खोपड़ी के अंदर उसकी खोपड़ी तोड़कर उसके दिमाग के टुकड़ों को बाहर निकाला गया था। सोच कर देखिए पीटर इन दिमाग के टुकड़ों के साथ क्या करने वाला था। पुलिस को भी अभी तक ये समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ ब्रायन की खोपड़ी को क्यों तोड़ा गया है। मर्डर किया, चलो चाकू मार मार कर उसका मर्डर किया गया था, तो यहाँ ये बाकी के पेचकस और ये हथौड़ा यहाँ क्या कर रहा है, जब मर्डर तो सिर्फ चाकू से ही हो सकता था। तो यहाँ पुलिस अब जाँच कर ही रही थी कि वो इस घर की किचन में पहुंची और किचन में जाते ही उनका दिल दहल गया, क्योंकि जो वहाँ पर गैस थी वो जल रही थी और उसके ऊपर एक फ्राइंग पैन रखा हुआ था, उसके अंदर कुछ चीज़ बन रही थी, कोई डिश बन रही थी। और जब पुलिस ने उसके अंदर झांक कर देखा तो वो समझ गए कि ये डिश कुछ और नहीं बल्कि इस डिश के अंदर ब्रायन का दिमाग काट कर डाला गया है। सोच कर देखिए वो भी क्या देख रहे थे और इस डिश का आगे क्या होने वाला था। जी हाँ, उस डिश के अंदर काफ़ी सारे बाल पड़े हुए थे, ब्रायन के दिमाग का एक बड़ा सारा हिस्सा काट कर उसके छोटे छोटे पीसेस किए गए और उन छोटे छोटे पीसेस को फ्राइंग पैन में डाला गया, उसके ऊपर तेल मसाले डाले गए और फिर नीचे आग लगाकर उसे तला जा रहा था और इस डिश को अब पीटर खाने वाला था। लेकिन पुलिस को अभी भी यहाँ शक था कि उसके दिमाग का एक बड़ा सारा हिस्सा निकाला गया है लेकिन जो अभी हम फ्राइंग पैन में देख रहे हैं वो बहुत थोड़ा सा है। तो यहाँ पुलिस पीछे घूमी और जहाँ पीटर खड़ा था उसको पकड़कर यहाँ किचन में लेकर आई और कहा कि ये बता ये बाकी का दिमाग कहाँ है। तो वो कहा कि जनाब मैं पिछले 1.5 घंटे से कर क्या रहा हूँ, मैं यही तो कर रहा हूँ, उसके टांगों से मांस को निकाल कर मैं खा गया, कच्चा ही खा गया, उसके हाथों से निकाल कर खा गया और अभी दिमाग का खा ही रहा था, बनते बनते ही खा रहा था मैं कि इतनी देर में आप प्रकट हो गए, थोड़ी सी लेट आते तो आपको ये डिश भी यहाँ नहीं मिलती। फॉरेंसिक रिपोर्ट में सामने आया कि ब्रायन के ऊपर पीटर ने सिर्फ सिर के ऊपर 20 से ज़्यादा बार हथौड़ों से वार किया था और इस वार से उसका जो दिमाग था वो ना सिर्फ बाहर से बल्कि अंदर से भी पूरी तरह से टूट और बिखर चुका था और इसके बाद ही उसने उसके दिमाग से सामान को निकाला, मांस को निकाला और उसको पकाकर खा गया। सोच कर देखिए कैसी आदमखोरी इस पीटर ने दिखाई थी, जबकि उसके डॉक्टर्स और पुलिस वालों को लग रहा था कि अब ये बंदा रिहैबिलिटेटेड हो चुका है और सुधर चुका है और ये आम लोगों के बीच में रहने को तैयार है। जब पुलिस ने उससे पूछा कि तूने इसके हाथ पैरों को काटा क्यों है, अगर तुझे खाना ही था तो वो बस खा लेता उसको साइड से काट काट कर, तो उसने यहाँ रिप्लाई दिया कि मैं उसके लाश को कहीं ठिकाने नहीं लगाने जा सकता था क्योंकि आसपास पुलिस का पहरा मेरे ऊपर था, इसी वजह से इस घर के अंदर ही मुझे उसकी लाश को ठिकाने लगाना था और ये ठिकाने लगाने का सबसे अच्छा तरीका था कि मैं उसके शरीर को ही खा जाऊं। सोच कर देखिए यहाँ वो क्या बयान दे रहा था और क्या यहाँ पर पुलिस वालों के ऊपर बीत रही होगी और मैं आपकी भी हालत समझ सकता हूँ कि यहाँ ये चीज़ सुनकर आपके ऊपर क्या बीत रही होगी। अब यहाँ पुलिस को अपनी वैन आने का इंतजार था जिसके अंदर वो इस लाश को रख कर यहाँ से निकल सकते थे। उन्होंने पीटर को इस घर से पकड़कर बाहर निकाला लेकिन बाहर निकालने से पहले पुलिस वालों को पीटर ने कहा कि जनाब एक मिनट रुक जाइए और मुझे बता दीजिए कि किसी की आत्मा को कैसे खाते हैं। जी हाँ, उसके वर्ड्स थे आई वॉन्टेड हिज सॉल, वो उसकी आत्मा को भी अपने पास रखना चाहता था या फिर खाना चाहता था मुझे नहीं पता, बट खैर अब उसे
शिफ्ट किया गया जेल के अंदर, और उसके ऊपर फिर से ब्रायन चेरी का मर्डर जो था उसका चार्ज लगा पीटर के ऊपर। और यहाँ मार्च 2004 के आते आते सिर्फ एक महीना भी नहीं बीता था कि यहाँ पीटर की जो हालत थी, मानसिक हालत थी, वो बहुत तेज़ी से नीचे गिरने लगी। वो हर किसी से अब झगड़ा करने लगा था, और इनफैक्ट झगड़ा तो यहाँ एक बार उसका उसके ही हॉस्टल वार्डन से हो गया, और यहाँ उसने उस हॉस्टल वार्डन को दीवार में लगा दिया, उसका गला पकड़कर, और कहा कि एक ना एक दिन मैं तेरी ये जो नाक है ना, ये नाक जरूर खा जाऊँगा। सोच कर देखिए, जिसके पास वो रह रहा था, जो उसकी देखभाल कर रहे थे, ये उसी की नाक को खाने के लिए तैयार बैठा है। जिसके बाद अप्रैल 2004 के आते आते उसे इससे भी ज़्यादा सिक्योरिटी वाली जेल के अंदर शिफ्ट किया जाना था, और यहाँ अब उसे ब्रैडमोर प्रिजन शिफ्ट किया गया। अब उसे रखा तो हाई सिक्योरिटी में जाना था, लेकिन पुलिस वालों से गलती हो गई और उसे मीडियम सिक्योरिटी के अंदर रख दिया गया। अब जहाँ पर वो एडमिट था उसके साइड में और भी पेशेंट थे, और यहाँ एक 60 साल का पेशेंट था जिसके ऊपर हमला कर दिया यहाँ पर आने के सिर्फ 10 दिन में ही। जी हाँ, सिर्फ 10 दिन में ही यहाँ पीटर ने अपना रूप दिखा दिया और उस 60 साल के बूढ़े व्यक्ति के ऊपर हमला कर दिया और उसे जान से मारने की कोशिश करी। उस टाइम तो पुलिस ने यहाँ रिचर्ड को बचा लिया, क्योंकि यहाँ उस टाइम पर पीटर नया नया यहाँ आया था और लोग उसका ज़्यादा ध्यान रख रहे थे, वहाँ का स्टाफ मेंबर। लेकिन 25 अप्रैल 2004 के दिन पीटर के हाथों एक बार फिर से रिचर्ड लग गया, और यहाँ अब की बार रिचर्ड नहीं बचने वाला था। उसने फिर से साइड में पड़ी चादर से ही रिचर्ड का गला घोटना स्टार्ट कर दिया, लेकिन फिर से उसकी जो आवाज़ थी उसने चीखना स्टार्ट कर दिया रिचर्ड ने यहाँ, और चीखे सुनकर पुलिस यहाँ आ गई और देखा कि यहाँ नीचे फर्श पर रिचर्ड बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ है। उसे तुरंत पास ही के एक दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया, लेकिन हॉस्पिटल पहुँचने से पहले ही उसकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। ऑब्वियसली यहाँ हार्ट अटैक तो आना ही था, जब एक राक्षस जैसा आदमी आपके वार्ड में शिफ्ट हो और वो आपके ऊपर ऐसे हमला कर दे तो यहाँ हार्ट अटैक बनता है। जिसके बाद यहाँ उसको देखा गया और सीधा अब मैक्सिमम सिक्योरिटी में उसे शिफ्ट कर दिया गया, और यहाँ अब उसके ऊपर 24 घंटे निगरानी रखी जानी थी। उसे हमेशा बेड़ियों में रखा जाता, ये काम अगर पहले ही हो जाता तो बेचारा रिचर्ड बच जाता। क्या ही करें, पुलिस की आँख देर से खुली। एक इंटरव्यू में यहाँ पीटर ने बताया कि मुझे अंदर से ये संदेश मिलता है कि मैं किसी के साथ ऐसा करूं, मुझे अंदर से ही ये फील होता है कि मैं अब किसी की जान ले लूं, और जब मैंने रिचर्ड को देखा तो मुझे लगा कि ये आसान सा शिकार है, पूरे हॉस्टल में मैं इसके साथ ये काम कर सकता हूं। तो यहाँ उसने रिचर्ड को शिकार बनाया। यहाँ उसने बताया कि मैं अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं यहाँ रिचर्ड को भी पका कर खाता, क्योंकि मुझे इंसानों को पका कर खाने में बहुत मज़ा आता है। अब क्योंकि मेरे पास वहाँ टाइम नहीं था इतना, इसीलिए वो बच गया, वरना उसको आज मैं हजम कर चुका होता। वो जिन डॉक्टर्स को अपना इंटरव्यू दे रहा था उनको बता रहा था कि मुझे पका कर खाने में बहुत मज़ा आता है। डॉक्टर उनसे बोले कि क्या तुम आदमखोरी में विश्वास रखते हो, क्या तुम्हें लगता है कि ये सही है? तो यहाँ पीटर ने बताया कि बिल्कुल मुझे सही लगता है आदमखोरी, अगर मैं चौराहों पर होता तो डेली आपको नई खबरें मिलती कि उसका हाथ काट कर कोई खा गया, उसका पैर काट कर कोई खा गया। अब यहाँ मेरे सामने आप बैठे हुए हो। जी हाँ, वो डॉक्टर को कह रहा था पीटर एक इंटरव्यू में। अब यहाँ डॉक्टर, आप मेरे सामने बैठे हुए हो और मेरा मन कर रहा है कि मैं आपको ही निपटा कर खा जाऊँ। सोच कर देखिए उस डॉक्टर के ऊपर क्या बीत रही होगी जो उसका इंटरव्यू ले रहा था। यहाँ डॉक्टर ने इस इंटरव्यू के बाद बाहर आकर ये क्लेम किया कि उसने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे प्रिजनर्स देखे हैं, बहुत सारे कैदियों से उसने इंटरव्यू में बात की है, लेकिन आज तक किसी ने मुझे खाने की बात नहीं की, और आज तक मैंने कभी पीटर जैसा खतरनाक आदमी नहीं देखा। अक्टूबर 2004 तक आते आते उसके ऊपर ये साबित हो चुका था कि उसने रिचर्ड और ब्रायन का मर्डर किया है, और इसके बाद उसे लाइफ सेंटेंस की सज़ा सुनाई गई, और इस लाइफ सेंटेंस में कम से कम उसे 35 साल तो जेल में बिताने ही थे, इसके बाद ही वो पैरोल के लिए अप्लाई कर सकता था। लेकिन यहाँ पीटर ने इस सज़ा के खिलाफ पेटिशन डाला और कहा कि जब मैंने सब कुछ किया था तब मैं बीमार था, मेरे अंदर पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया नाम की बीमारी ने घर किया हुआ है और उसी की वजह से मैं सब करता हूँ, इसलिए मेरी सज़ा को कम किया जाए। जिसके बाद उस 35 साल से सज़ा को घटाकर 15 साल तक कर दिया गया। बेशक अभी तक वो 15 साल पूरे हो चुके थे, लेकिन यहाँ उस सज़ा को कम करते वक्त यहाँ जज ने कह दिया था कि 15 साल बाद हम तुम्हें मॉनिटर करेंगे, अगर तुम्हारी हालत लगी हमें बाहर छोड़ने वाली तो ज़रूर छोड़ेंगे। लेकिन अब यहाँ पर 15 साल बाद सज़ा पूरी करने के बाद उसकी हालत ऐसी नहीं थी कि उसे सोसाइटी में छोड़ा जा सके, वो अभी भी लोगों को परेशान करता है, लोगों के साथ मारपिटाई करता रहता है। वो आज भी ब्रॉडमोर प्रिजन हॉस्पिटल में बंद है और उसका ध्यान वहीं के पुलिस वाले और डॉक्टर रख रहे हैं। तो ये कहानी थी एक ऐसे इंसान की जिसके बारे में मैं बताने से खुद डरता हूँ। सोच कर देखे कैसा वो आदमी था। खैर, इस केस से जुड़ी हुई 2-3 फोटोज़ हैं मेरे पास, जिसे आज रात को मैं इंस्टाग्राम पर लगा दूंगा। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो प्लीज़ यार आप वहाँ मुझे फॉलो जरूर कर लेना।
खैर पिछली वीडियो का शाउट आउट सुमित माथुर को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट्स में वो भी बता दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।